हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे झटपट से बनने वाले एकदम बढ़िया से वेज मोमोज। तो ये है, सबसे पहले मोमो की चटनी बना लेते हैं। तो मैंने टमाटर और रेड चिली और लहसुन को हल्का सा ब्लांच कर लिया। इसके बाद उनको थोड़ा सा ठंडा करके और उसके छिलके निकाल के फिर इसको कर लिया ग्राइंड। अब इसको कर लेंगे, अच्छे से छान लेंगे जिससे एकदम स्मूथ हमें पेस्ट मिल जाए। और ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार है। अब हल्का सा इसमें लहसुन का तड़का दे के और इसको मैं थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और ये सोया सॉस मैंने डाल दिया और ये मेरी मोमोज की चटनी बनके तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर हम यहाँ पे डो लगा लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा नमक डाल के इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया। अब ये मैंने अच्छे से सब्जियों को चॉप कर लिया और इसको पूरा अच्छे से इसका पानी पूरा हटा दिया है। तो ये प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और ये है पत्ता गोभी। थोड़े से ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक का तड़का दिया, साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी है। अब इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, लाल नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज करना है। फिर इसमें मैंने डाल दी है प्याज, एकदम फाइनली चॉप है, खूब अच्छे से इसको हमने मिक्स कर दिया है। इसको भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा कलर चेंज करना है खाली। ऊपर से हम डालेंगे जो और सारी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें है पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ को डाल दिया है, कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब इसको हम हल्का सा बस पकाएंगे और ऊपर से हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर और सोया सॉस, कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स। तो ये हमारी स्टफिंग बन के बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ईजी है। मोमो बनाना बहुत ईजी होता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और ये ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको कर लेते हैं फिल करने की तैयारी। तो मैं क्या करूँगी ना, फिर मैंने एक बड़ी सी जो है रोटी बना ली है और उसको एक कटोरी से अच्छे से कर लिया है कट, और ये हमारी छोटी छोटी सी जो है इसकी बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम करेंगे स्टफ अपने मोमोज। अब इसको ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने ये जो इडली बनाने का होता है ना साचा, उसी में मैं आज इसको बनाऊंगी। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया है स्टीम करने के लिए और यहाँ इसको कर लेते हैं फिल। आप किसी भी शेप में फिल करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल सा इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसको फिल कर ले रही हूँ। और ये हमारा मोमोज ऐसे ही हम सारे इसको पैक कर लेंगे और ये बन के हमारा मोमोज हो गया है तैयार। और ये देखिए, ऐसे ही इसको हमें हल्का हल्का सा फोल्ड करके अपने मनचाहे शेप में आप इसको दे दीजिए। और इस तरीके से हमने बना लिया है मोमो। अब इसको हम करेंगे स्टीम। हल्का सा हमने इसमें ऑयल लगा दिया था जिससे ये चिपके नहीं, और इसको कर देते हैं बंद। और ये हमारे स्टीम मोमो बन के तैयार हैं, वेज मोमो। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बने थे, ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और इसको हम सर्व कर रहे हैं मेयोनीज और अपनी रेड चटनी के साथ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया और ये हमारे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बनके तैयार हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। बाय बाय।